राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की। उन्होंने ये निर्णय कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर लिया है। क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स 2 से 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। इससे युवाओं को तत्काल काम के लिए तैयार किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स देश भर के 26 राज्यों में स्थित 111 सेंटर्स पर लॉन्च किया जाएगा। यहां से कोर्स करने वाले युवा तुरंत काम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स के साथ मिलकर युवा कोरोना योद्धाओं की तरह ही काम करेंगे। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। कोरोना की पहली बैच के दौरान, जब पहला वेव था, उस दौरान देश में हजारों प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट अभियान से जुड़े। इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकाबला करने की बड़ी ताकत दी। अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो अनुभव मिले हैं, वो अनुभव आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार बने हैं। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। आज जिस गति से, जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने पर काम चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे हेल्थ सेक्टर के एक बहुत मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, ANM, आंगनवाड़ी और गांव गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से रात दिन काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस। इतना बोझ उन्होंने झेला है, आपके आने से
उनको मदद मिलने वाली है, उनको एक नई ताकत मिलने वाली है। इसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है, मानवता की सेवा का, लोक कल्याण का। आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सीखें, अपने आप को उत्तम व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। आपके पास वो स्किल हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज यानी 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाकर नारी शक्ति की मिसाल कायम की। रानी लक्ष्मीबाई जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी नायिका रही जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मनु ने बचपन से ही शस्त्र शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। मनु का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव नवलकर से हुआ, तब वह सिर्फ 12 साल की थी। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। विवाह के बाद उन्होंने राजकुंवर दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनके बच्चे का निधन हो गया। गंगाधर राव ने तब अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए महज 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई कई दिनों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रही। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। साहस और बहादुरी की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक यही कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आखिरी दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। 18 जून के दिन ही उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक दलों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में VC के माध्यम से 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री और प्रभारी अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोरोना के मामले में किसी तरह की ढील नहीं बरतने को कहा, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि PM मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये हम नहीं कहते, ये जमाना कहता है। अब पॉजिटिव केसेस काफी कम आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर पूरी तरह से नियंत्रित है। हमारी पॉजिटिविटी रेट अभी केवल 0.2% के आसपास रह गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। आज आपको जो बुलाया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत, हमको यह सोचना है कि हम संक्रमण के दर को भी नियंत्रित रखें और दुनिया भी चलती रहे, बाजार खुले रहे। हम तो चाहते धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई होने लगे, बिजनेस चले, व्यापार चले, उद्योग चले, काम धंधे चले। लेकिन यह होगा कैसे, आज मैं वही आपको बताना चाहता हूं और उसमें आपका सहयोग मांगता हूं। ये करने के दो ही तरीके हैं। नंबर एक, सरकार प्रयास करे टेस्ट खूब होते रहे, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, मतलब जो संबंधित लोग हैं उनसे उनकी भी टेस्ट कर लें, ताकि संक्रमण फैलता ना रहे। अगर हमने अब टेस्ट रोज नहीं किए और कोई पॉजिटिव लगातार घूमता रहा तो कई को संक्रमित कर देगा।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब संपर्क में आए सब लोगों के भी सैंपल लेकर टेस्ट हो जाए, ये जरूरी है ताकि जरूरत पड़े तो उनको होम आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती कर सकें। और किल कोरोना अभियान मतलब सर्दी जुकाम बुखार भी है गांव में कहीं भी, शहर के बाहर में कहीं भी, तो उसको दवाइयां दे दें, एक तरीका तो यह है। दूसरा है कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करें हम, मतलब चेहरे पर मास्क लगाए रखें तो मास्क लगा रहे, आप लोग दूर दूर बैठे हैं ये बिल्कुल सही है, दो गज की दूरी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे बीच में आपस में रहनी चाहिए, तो हम शारीरिक फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार साफ करें। और बाहर भी जब निकलें, सड़क पे हैं तो मास्क लगा हुआ है, दूरी बनी हुई, दुकान पर सामान खरीदने जा रहे हैं तो एक साथ भीड़ ना लगाएं, दुकानदार भी गोले बनाए ताकि अलग अलग खड़े रह सकें। और जब वैक्सीनेशन एक प्रभावी उपाय है कोरोना से बचने का, इसलिए मेरे प्रिय भांजे भांजियों, पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस समय अभियान चलाया हुआ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और वैक्सीनेशन करवाना है। आप जिम्मेदारी संभालेंगे तो मैं दावा करता हूं कि तीसरी लहर आने से हम रोक देंगे और मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित बचा लेंगे, बिजनेस व्यापार काम धंधा भी चलेगा और संक्रमण को भी हम रोक के चैन की सांस लेंगे। मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे बात करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जल्दी हम ऐसी परिस्थिति बनाए कि रेगुलर क्लासेस हमारी लग सके, फिर उत्साह का और आनंद का वातावरण हो, हम मिले जुले और बाकी गतिविधियों में भाग लें, लेकिन तब तक के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार के लिए आप समाज को लीड करें, ये मेरी अपील है और मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से हम कोरोना के संक्रमण को रोकेंगे और तीसरी लहर नहीं आने देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ठीक है, यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माननीय मोदी जी है। ये हमारे हम सबके लिए, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, मैं मोदी जी को आज इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी नागरिकों को अब निःशुल्क वैक्सीन केंद्र सरकार लगवाएगी। हमारे जैसे मुख्यमंत्रियों ने तो अपील की थी कि राज्य ये नहीं कर सकते, अभियान बिखर गया, केंद्र को ही अभियान अपने हाथ में लेना चाहिए। 21 तारीख से 21 जून से, 21 को योग दिवस भी है, उसी दिन से निःशुल्क वैक्सीन सभी नागरिकों को जो पात्र हैं, मतलब 18 साल से ऊपर उम्र के हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन का महाअभियान प्रारंभ करने का फैसला इसी दिन से किया है। सवेरे 10 बजे एक साथ 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह महाअभियान प्रारंभ होगा और वैक्सीनेशन सेंटर ग्रामवासी उत्साह के साथ भाग लें वैक्सीनेशन के लिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कोरोना काल में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है ऑक्सीजन और वैक्सीन पर वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा अपने आवास के नवीनीकरण में खर्च करना चाहते हैं, जिसका कुल खर्च लगभग 10 करोड़ रुपए है। ये दिल्ली में आम आदमी के रूप में एक आम आदमी के वेश में एक खास आदमी है और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था और कई लोगों को ज्ञान और नसीहत दी थी। ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में हम आएंगे तो न गाड़ी होगी न बंगला होगा, और वो जब सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने अपना चरित्र बदला वो आप सबने देखा है, किस तरह से उन्होंने एक फ्लैट से डुप्लेक्स फ्लैट से बंगला में आए। चलिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है, बंगला सुरक्षा की दृष्टि से भी है, बंगला ले लिया, चलो इस तक ठीक है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आए, फिर गाड़ियों के काफिले में आए, और अब वो बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है। वो केजरीवाल जी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पैसा वो अपने फंड से नहीं दे रहे, सरकारी फंड से। और सरकारी फंड आता कहाँ से है? सरकारी फंड आता है जो दिल्ली की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से वो सरकारी पैसा अपने बंगले पर अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रहे हैं। ये मेरे पास ये वर्क ऑर्डर है जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर एडिशन अल्टरेशन के नाम पर इन रेजिडेंशियल रेजिडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट 6 फ्लैग रोड, ये वर्क ऑर्डर है 8,61,63,472 रुपए का, ये टेंडर्ड कॉस्ट है और इसमें 25% का डेविएशन भी होगा, 10 करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू जाएगी। और ये पैसा आएगा कहाँ से? जो लोग ये कह रहे हैं, अभी अभी दो दिन पहले, एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों को, जो लोग ये कहते हैं वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की ओर जा रहे हैं, जो कहते थे हमें ऑक्सीजन नहीं हमारे पास है, केंद्र सरकार हमें दे, जो ये कह रहे थे हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, केंद्र सरकार ने दिए, जो हर छोटी छोटी बात के लिए, जिनको राशन भी केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी ओर से दिया जाता है, हर छोटी छोटी बात पर जो रूल की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार के ऊपर इशारा करते हैं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर इशारा करते हैं, वो रूल की बात करने वाले अब अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, 10 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली, आप खुद कह रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, और हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। क्या कटौती यही है? ये इसी को कटौती कहते हैं कि आप जनता की सुविधाओं की कटौती करें और अपने घर के अंदर लगाएं। यानी जितनी धन संपदा, जितना टैक्स की कमाई जनता देती है, वो क्या आपको मुख्यमंत्री जी के बंगले को रेनोवेशन करने के लिए देते हैं? आप दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक नहीं सुधार पाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे, टेस्टिंग नहीं हो पाई,
अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन का रोना आप रोते रहे, लोगों को राशन नहीं मिला, और आपको कोरोना की जैसी पहली लहर आई उसमें अपने घर के रेनोवेशन की याद आ गई। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अब दिल्ली के आम आदमी बन गए हैं एक खास आदमी। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी हूं और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का स्पोक्स पर्सन हूँ। देखिए, मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जब ढीली पैंट पहनकर, अपने साइज से 2 इंच बड़ी टी शर्ट पहनकर और घिसी हुई सैंडल पहनकर टीवी पे दिखता है, पर वो असल में जो अपने घर के अंदर 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, करोड़ों रुपए की डोर्स और विंडो लगवा सकता है और स्विमिंग पूल बनवा रहा है, और ये जो 10 करोड़ का बजट है ये बढ़कर मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ में ख़त्म होगा। अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देने के लिए क्या बहाना ढूंढा जा रहा है। अभी परसों भी आपने देखा होगा कि एक ट्रेनिंग दी जाएगी और 5,000 लोगों को नया अपॉइंट किया जाएगा, जबकि 35,000 से ज़्यादा लोग होमगार्ड के लोग बैठे हैं जिनको ये सब काम दिया जा सकता था, उनको नहीं दिया जा रहा है। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,480 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1,587 मरीजों की इस घातक वायरस की वजह से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार 36वें दिन भी अधिक है। पिछले 24 घंटे में 88,977 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या में भी कमी आई है। 73 दिन बाद एक्टिव केस 8 लाख के नीचे यानी 7,98,656 आ गए हैं। जैसा हम सबको अवगत है, 7 मई के समय पर देश में एक पीक ऑब्जर्व की गई थी, जिसमें डेली बेसिस पर करीब 4,14,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हुए। उसके बाद से हम उस पीक में कंटिन्यूस डिक्लाइन नोटिस कर रहे हैं। 25 मई के समय में वह केसेस ऑन ए डेली बेसिस घटते घटते 2 लाख से कम हुए। 7 जून तक वह 1 लाख के करीब पहुँचे, और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेज विच आर गेटिंग रिपोर्टेड उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है, और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1,000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। केसेस का ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां देश में एक एवरेज वीकली केसेस के बेस पे 3,89,000 के करीब केसेस प्रतिरोज के औसत से आ रहे थे 1 से 7 मई के समय पर, वह अब घटते घटते 69,710 हो गए हैं, यानी कि जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक एक्टिव केसेस, वह मापदंड जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि कौन से केसेस हैं जो होम आइसोलेशन या मेडिकल जो हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिनको हम मैनेज करते हैं, तो जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख केसेस में एक जो पीक नोट की गई थी वह 22 मई तक करीब 30 लाख के करीब केसेस हुए, 1 जून तक घटते घटते उसमें अराउंड 18.95 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में रहे, और 11 जून तक वह 11,21,000 के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। यह
हम देखें तो पाते हैं कि जो पीक समय पे हमने नोट किया था उससे 78.6% डिक्रीज इन एक्टिव केसेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने एक स्टेटस है। आज देश में जब एक स्थाई पर हमने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन को जो लगी थी उस समय पर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर रहे हैं, हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के अपने संदेश में कहा है कि वायरस अभी कहीं गया नहीं है, वह हमारे सामने ही है। जहां एक स्थाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर आज 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग करने की बात की गई है, जो कि सपोर्ट करेंगे हमें एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स, एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कंटिन्यूड बेसिस ऑन कोविड मैनेजमेंट। हमें ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहाँ तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। देश के 4 महानगरों में डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 26 से 27 पैसे तक बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 4 मई से अब तक पेट्रोल 6.57 रुपए और डीजल 6.96 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, और इन बढ़े हुए दामों के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.93 रुपए जबकि डीजल का दाम 87.59 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु व जयपुर में तो पेट्रोल 100 रुपए से पार चला गया है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। राष्ट्र प्रथम की टीम ने पेट्रोल की दौड़ती कीमतों पर लोगों से बात की। जी, ये कंप्लीट फेलियर है गवर्नेंस का। सिर्फ इसका नहीं, तेल का कोई दाम सरकार रोक नहीं पा रही। ये कंप्लीट फेलियर सिर्फ गवर्नेंस का है, और ये सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं इससे जुड़ी हैं। हमारी जितनी चीज़ें आएंगी बाहर से आएंगी, फूड सप्लाईज है, आम इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, सब कुछ इस एक चीज़ से रिलेटेड है। इसी को सरकार रोक नहीं पा रही, इसको GST से बाहर रख दिया। इसको कह रहे हैं प्राइवेट कंपनियां अपने वो तय कर लो। क्यों कर लो जी? कोई पूछो ना उनसे, आप लोग पूछो, कोई सच से एक बार जवाब लो, क्यों कर दो जी तुम? ये 97 रुपये हो गया एक आम आदमी के लिए, 97 रुपये डलाना, पेट्रोल डलाना, वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? सर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पब्लिक का, क्योंकि हम अभी लॉकडाउन से नहीं उभरे और काम धंधा बिल्कुल नहीं है। हम सुबह से शाम निकलते हैं कुछ कमाने के लिए, तो सबसे पहले पेट्रोल की चिंता होती है। पेट्रोल डलेगा तभी गाड़ी चलेगी ना। अब 200 रुपये में पेट्रोल क्या आ रहा है, 100 रुपये लीटर तो हो ही गया, 96 और 100 में क्या फ़र्क है बताइए? जितना मर्जी चला लो कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारा क्या है, फील्ड का काम है, हमारा जो पेट्रोल लगता था ना उससे भी डबल लगने लग गया है। तो हमारे तो डेली का, हम डेली देखते हैं पेट्रोल बढ़े जा रहा है, डेली पेट्रोल लगाते हैं इस चीज़ से, तो कि पेट्रोल थोड़ा तो कम करना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने 60 रुपये लीटर भी डलाया था, आज ये टाइम है कि 100 रुपये लीटर पहुंच रहा है, तो उसमें तो गरीब आदमी मतलब ये लगा लो बहुत ही परेशान हो गया। लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लोगों के काम नहीं है, पहली चीज़ है। कोविड से 1 साल से लोग घर बैठे हुए हैं, लगातार ये दिन 2-3 महीने के अंदर इनके 5 रुपये 2 रुपये, ये जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये छोटे मुद्दे पे लेते हैं, नेता लोग ही हैं जो पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, लेकिन इस चीज़ को ना उन्हें देखना चाहिए। छोटे लोग हैं, स्कूटर वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे उन्हें अपनी तरीके से देखना चाहिए, पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि रेट इसके घटाओ, इसके क्या सभी चीज़ के घटाओ, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं आज की डेट में। तो पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये डेली नीड की चीज़ें हैं। कहना क्या जी, एक तो काम धंधे बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी है, और जो प्रतिदिन रेट बढ़ा रहे हैं ये गवर्नमेंट का तो अच्छा काम है ही नहीं है। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे में कि दाम कम कैसे होने हैं, जो आम पब्लिक है उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। बढ़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, कोई हमारे हाथ में थोड़ी है वो। सरकार से कुछ भी कह लो, सरकार थोड़ी सुनने वाली है, कुछ नहीं होने वाला जी। ये तो अपनी मर्जी से ही बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से घटाएंगे, वो तो 100 रुपये हो जाएगा कुछ दिन में। सरकार से कहेंगे जो थोड़ा तेल का पैसा कम करें, दिन पे दिन आप महंगा तेल महंगा होगा, सब चीज़ महंगी होगी, मतलब गरीब आदमी का भी सोचे 10,000 की नौकरी करने वाला 200 रुपये लीटर तेल लगा कहाँ चलेगा। वैसे सरकार को सोचना चाहिए अपने आप ही कि भाई आप तेल 100 पार ले जा रहे हो, ये तो जनता पर बोझ पड़ रहा है ना। वैसे ही अब मोदी जी को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो पेट्रोल के रेट हैं वो कहाँ 60-70 रुपये थे, अब एकदम से 100 रुपये हो गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सर्ग सर्ग